हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इनको सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम ये समझाएंगे। और आपने देख लिया होगा कि चैप्टर नंबर 5 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चल रहे हैं लेखांकन समीकरण के, और लेखांकन समीकरण में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हम एक साथ आपको सॉल्व कराना सिखा रहे हैं। देखो, जब भी न्यूमेरिकल की बात आए लेखांकन समीकरण में, तो बस इतना सा याद रखेंगे कि संपत्तियां बराबर किसके बराबर, संपत्तियां के बराबर में होता है दायित्व, ओके, और प्लस पूंजी। इन इस छोटे से फार्मूला के द्वारा आप पूरे इस चैप्टर को सारे न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो संपत्तियां के बराबर में होता है दायित्व प्लस पूंजी। अब वो कह रहा है कि रमेश के देनदार कितने हैं, 25,000। तो देनदार हमारे क्या होते हैं, संपत्ति होते हैं, इस तरह से जोड़ लो 25,000। इसके बाद में कह रहा लेनदार, लेनदार क्या होते हैं, दायित्व तो होते हैं, बराबर के इधर लिख लो, ये कितने हैं, 22,000। ओके, फर्नीचर हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है, तो फर्नीचर थोड़ा सा ऊपर करके इसको लिखते हैं, बराबर में ये 22,000। अब फर्नीचर बोल रहा है 82,000, यानी कितने, 82,000, ठीक है। अन्य संपत्तियां कह रहा है 2,15,000 प्लस 2,15,000। और वो कह रहा है कि रमेश की पूंजी, यानी हमें प्लस करके यहाँ पर पूंजी को ज्ञात करना है, और पूंजी हमें पता नहीं है। तो ये सब पूंजी को जब हटा देंगे तो यहाँ क्या क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन तीनों का टोटल करके, भाई ये बराबर होता दायित्व प्लस पूंजी के, अब इसका टोटल करके 22,000 घटा देंगे, अपने आप पूंजी निकल आएगी। देखो कितने ये हो रहे हैं, 25,000 ये और 2,15,000 ये, 2,515 होते हैं कितने, 40, यानी 2,40,000, और 82,000 ये हैं, तो 2,40,000 में 82,000 को और जोड़ लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे जाकर के, ये हो जाएंगे 3,22,000 के आसपास। और वैसे 3,0,3,0,1,2,3, ओके, 5 और 2 7 और 5 12 के होते हैं, 2, 1 और 8 9 और 2 11 और 1 हासिल का 12 और 2 और 1 3, 3,22,000। और ये टोटल कितने हैं, 22,000 हैं, तो 22,000 तो ऐसे ही लिख लीजिए, प्लस ये कैपिटल यहाँ पर कम पड़ी कितनी, 3,00,000। तो इसका मतलब है 3,22 में से हमें 22 घटाना था, अपने आप पूंजी निकल आएगी 3,00,000। तो यहाँ पर अब लिख देंगे हम लोग पूंजी बराबर कितनी है, 3,00,000। इस तरह से ये पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कैसा हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से के लिए, 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, आपको पता है संपत्तियों के बराबर में दायित्व प्लस पूंजी है, चाहो तो हम फिर से लिख लेते हैं, असेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो यहां पर क्या कह रहा है, सुरेंद्र की पूंजी बता रहा है 1,50,000, यानी कैपिटल को कह रहा है 1,50,000, हानि कह रहा है 3,000, तो भाई हानि से तो कैपिटल घटेगी, तो यहां पर माइनस कर दो। लेनदार है 20,000, अब लेनदार हमारे दायित्व होते हैं, तो ये यहां पर लिख दो कितने, 20,000। अदत्त व्यय है 12,000, ये भी हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसको थोड़ा और इधर हटा लेंगे और लिख देंगे यहां पर कितने, 12,000। और कह रहा कुल संपत्तियां, यानी बराबर के इधर वाली हमें पता नहीं है, तो इन सब का टोटल करने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो सब की सब क्या होंगी, संपत्तियां होंगी, क्योंकि असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये पता होना जरूरी है कि कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, कौन कौन सी असेट्स होती हैं, ये मैं लाइव क्लास में पहले ही पढ़ा चुका हूं, ओके। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि अगर इसको हम सही से देखेंगे तो यहां हो कितना रहा है, 1,50 में 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,50 और 20 70 1,70 1,80 1,82 1,82 में से 3,000 घटा दीजिएगा, तो यहां पर निकल करके आएगा 1,82,000 माइनस कितने, 3,000। तो 3,000 जब इनमें से घटाएंगे तो 179 हमारे बचेंगे, ठीक है। ये होंगी क्या, असेट्स, तो असेट्स बराबर 1,79,000।
क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह से दो क्वेश्चन हमने देखे। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 के लिए किस तरह से हमें करना है, हमें वही काम करना है, असेट्स दूर पे बराबर क्या लायबिलिटी और प्लस कैपिटल। क्या कह रहा है, पवन की कुल संपत्तियां हैं 250,000 की। भाई असेट्स के लिए बोल रहा है 250,000, बराबर का चिन्ह लगा दो। पूंजी कह रहा 70,000 है, ये है 70,000 कैपिटल प्लस अन्य दायित्व हैं 1,90,000 के। अच्छा ये हैं 1,90,000 के। कह रहा है कि हानि बताइए। अब हानि होगी तो निकल के खुद ही आ जाएगी। देखो इसको जोड़ रहे हैं 1,90,000 को और 70,000 को, तो 9-7 होते हैं 16, यानी ये निकल करके आ रहा है 2,50,000 के बराबर में। 9-7 16 यानी 2,00,000 कितने 60,000। भाई एक बात बताओ, संपत्तियां 250 की ही हैं और इधर का टोटल हो रहा 260, तो कितना ज़्यादा हो रहा है 10,000। यहाँ से घटाना है और घटता क्या है, हानि, जैसा कि हमने ये 3,000 हानि के घटाए थे। तो इस तरह से ये 10,000 क्या हो गई, हानि। तो यहाँ पर लिख देंगे हानि बराबर कितने 10,000। तो उम्मीद है कि ये जो तीनों क्वेश्चन हैं पूरे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो जरूर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।